हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डीकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने टॉप 200 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी हिंदी में, उस सीरीज में आज ये मेरा लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम 170 क्वेश्चन कर चुके हैं और 7 क्लास इस पर हो चुकी है, ये 8th और लास्ट क्लास है। आज 30 क्वेश्चन हम कर लेंगे तो हमारा ये सीरीज हमारी पूरी हो जाएगी। और अगर आपने वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे हों तो डीकोड एग्जाम की प्लेलिस्ट में आप जाकर हिंदी के सेक्शन में जाके वो सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, वन बाय वन मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी, डिस्कस करूंगी और आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ए सुखी, बी प्रसन्न, सी कटु और डी सुंदर। ठीक है, जी हाँ, ए इज़ द राइट आंसर, सुखी है, सुख से ही आपका सुखी बना है, तो ए इज़ द राइट आंसर, सुखी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ए फेनिल, बी धूमिल, सी लौकिक और डी प्राथमिक। ठीक है, अगर आप देखें धूमिल, लौकिक, प्राथमिक, ये सभी संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। अगर बात करें ए फेनिल की तो इल प्रत्यय लग के ये शब्द बना हुआ है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे अगर देखें धूमिल की बात करें तो ये आपका धूम से धूमिल बना है, लोक से लौकिक बना है और प्रथम से प्राथमिक बना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। सोना का पर्यायवाची है ए प्रभा, बी नग, सी शांति और डी जात रूप। बताइए क्या होगा? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, जात रूप होगा सोना का। जहाँ तक प्रभा की बात है वो किरण का होगा, नग पर्वत का और शांति थकान का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? ए वाहिनी, बी तरणी, सी तटिनी और डी अपगा। अगर आप बात करें वाहिनी, तटिनी, अपगा, ये सभी नदी के होते हैं, जो तरणी है वो नदी का नहीं होता, बी वो नौका का होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। अगर आप ध्यान देंगे तो तटिनी और तरंगिड़ी ये नदी का होता है और तरणी आपका नौका का होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची है? ए हरिप्रिया, बी सिंधुजा, सी सुरसरी, डी इंदिरा। अगर आप बात करें हरिप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। सुरसरी, सी इज़ द राइट आंसर, सुरसरी गंगा का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैं डाल डाल तू पात पात का अर्थ है ए जैसे को तैसा, बी चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, सी ऊँची कल्पना करना और डी जमीन पर न रहना। जी हाँ, तू डाल डाल, मैं पात पात, इसका एक ही मतलब हो सकता है, बी इज द राइट आंसर, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ढाक के वही 3 पात होना ए यत्न पूर्वक रखना, बी सदा एक सा होना, सी ऊट पटांग काम करना, डी अनुरूप बनना। बताइए ढाक के 3 पात का क्या होगा? जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, सदा एक सा रहना, सदा एक सा होना। ठीक है, ये ढाक के 3 पात कहाँ क्यों जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। भारत में जो उत्तर भारत के सभी गांव हैं उसमें ढाक का या कहें पलाश का एक वृक्ष पाया जाता है, जिसकी हर टहनी पे आप देखेंगे आपको 3 पत्ते ही मिलेंगे, ना तो 4 मिलेगा और ना ही 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये मुहावरा वहीं से लिया गया है, ढाक के वही 3 पात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिंग की दृष्टि से दही है ए स्त्रीलिंग, बी पुलिंग, सी नपुंसक लिंग और डी उभयलिंग। बताइए दही क्या होगा? जी हाँ, पुलिंग होता है। देखिए इकारांत शब्द जो संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि नदी है, रोटी है, टोपी है, ये सब कुछ स्त्रीलिंग होती है, लेकिन उसी में आपका दही, घी और मोती अपवाद होता है, वो पुलिंग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, पुलिंग होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से पुलिंग शब्द नहीं है ए रत्न, बी मोती, सी नकल, डी बचपन। बताइए जे रत्न, मोती और बचपन, ये सभी आपके पुलिंग वाले हैं, नकल आपका स्त्रीलिंग है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है ए खड़ी बोली, बी बघेली, सी ब्रजभाषा और डी अवधी। बताइए फैजाबाद किस बोली का क्षेत्र है? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, अवधी का है। अवधी देखिए इलाहाबाद में, लखनऊ में, फैज़ाबाद हो गया आपका, गोंडा है, रायबरेली है, ठीक है, उधर बहराइच है, ये सब जौनपुर, सुल्तानपुर, ये सब आपके अवधि के हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ए भोजपुरी, बी अवधी, सी बघेली, डी ब्रज। बताइए, ये भी आसान है। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, भोजपुरी बोली जाती है। अगर भोजपुरी बोलने की बात करें तो उत्तर प्रदेश के, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बिहार में और उत्तरी झारखंड में बहुत जैसे भोजपुरी बोली जाती है।
ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे, कन्नौजी क्षेत्र की पहचान करें। ए शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, बी लखनऊ, फैजाबाद, गोंडा, सी मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, डी इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। बताइए कौन सा होगा। देखिए बी जो है आपका लखनऊ, फैजाबाद, गोंडा और डी हो गया इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये सारे अवधि के क्षेत्र हैं। जहाँ तक मेरठ बिजनौर में लगभग खड़ी बोली वाले हैं, तो ए इज द राइट आंसर। शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। इसके अलावा इटावा, उत्तर प्रदेश में इटावा और फर्रुखाबाद में भी बोली जाती है कन्नौजी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपवर्ग में है। ए भोजपुरी, बी मगही, सी बघेली, डी मालवी। पूर्वी हिंदी उपवर्ग में बताइए। जी हाँ, सी द राइट आंसर, बघेली है। इसमें देखिए अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन भाषाएं हैं हिंदी उपवर्ग में, ठीक है। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, याद रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 पे, वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है वह है मूर्धन्य वर्ग का, तालव्य वर्ग का, ओष्ठ वर्ग का, कंठ वर्ग का, ठीक है। तालु से बोला जाने वाला, जाहिर सी बात है बी द राइट आंसर तालव्य वर्ग का होगा, ठीक है। देखिए आप लोग को तालु और मूर्धा में कुछ कंफ्यूज रहते हैं, मैं बताती हूँ, इसे क्लियर कर लीजिए। ये जो मुँह के आपके ऊपर की छत होती है, यहीं पे आपका जो जीभ टच करती है, तो अगर आगे के भाग को टच करती है यहाँ, तो वो आपका तालु होता है। अगर थोड़ा पीछे यहाँ टच करती है, तो वो आपका मूर्धा का होता है। देखिए जो च वर्ग है, च छ, जब बोलेंगे आप तो आगे को टच करती है जीभ, तो जब आगे को टच करती है तो वो तालु का होता है, ठीक है। और जब आप ट वर्ग बोलिए, ट ठ, देखेंगे आप पीछे बीचों बीच जाके टच करती है ऊपर के भाग को, ऊपर की छत को, हमारी जीभ, तो वो हमारा मूर्धा का हो जाता है। तो जो ट वर्ग है वो सारा मूर्धा का है, और जो च वर्ग है वो आपका तालु का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे, अघोष वर्ड का चयन करे। अ ए अ, बी ज, सी ह और डी स, ठीक है। जिन ध्वनियों को बोलने में, उच्चारण करने में, स्वर तंत्र में कंपन नहीं होती, वही अघोष हैं आपके, ठीक है। अघोष में आपका हर वर्ग का आपका पहला और दूसरा वर्ड आ जाएगा, और आपका जो भी तीनों स है यानी उष्म व्यंजन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें अ ब ज ह स, तो कौन सा आ जाएगा, स उष्म, अघोष में आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ए वर्ग के प्रथमाक्षर, बी वर्ग के तृतीयाक्षर, सी वर्ग के चतुराक्षर और डी वर्ग के पंचमाक्षर, ठीक है। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, वर्ग के पंचमाक्षर होगा। जो हर वर्ग में आप देखेंगे लास्ट वाला अंग आपका इय, ड, म और न आपका जो आता है, ये सारे ही पंचमाक्षर हैं, जो नासिका से बोले जाते हैं वही आपके पंचमाक्षर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इनको अनुनासिक बोला जाता है, क्योंकि वो नाक से बोले जाते हैं, नासिका से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी ओर, सी कंठ, डी मूर्धा। बताइए, बहुत आसान है, बोल के देखिए प फ ब कहाँ से आ रहा है, ओष्ठ से, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्नलिखित में से मूल शब्द कौन सा है। अनुकरण, अनुगामी, कामचोर, कान, बताइए कौन सा होगा। देखिए मूल शब्द या रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको अगर हम विग्रह करें, खंड करें, तो हमें कोई सार्थक शब्द या सार्थक अर्थ न मिले उसका, वही होता है। तो कौन होगा यहाँ पे, जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, कान होगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे, वाक्य के कितने अंग होते हैं। ए दो, बी तीन, सी चार, डी पाँच। वाक्य कितने अंग होते हैं, जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बात कही जाए वो विधेय होता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे, अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। ए पुर्तगाली, बी अरबी, सी फारसी, डी फ्रेंच। बताइए किस भाषा से आया है, जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, पुर्तगाली से आया है। जहाँ ये पुर्तगाली का शब्द है, हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक बात है और भी कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं, काफ़ी, काजू, पपीता, आलपीन, पिस्तौल, गमला, ये सब कुछ आपके पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पे, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। किस प्रकार का वाक्य है। ए सरल वाक्य, बी मिश्रित वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया दो सरल वाक्य या मिश्र वाक्य को एक संयोजक जोड़ देता है, वो संयुक्त वाक्य होता है। वो संयोजक किंतु हो, अथवा हो, परंतु हो, कुछ भी हो सकता है। तो सीधे सीधे हम देख सकते हैं क्या है, सी इज द राइट आंसर, संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कैसा वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य,
ठीक है। देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है, जहाँ एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी सब उस पर आश्रित हो। मिश्रित वाक्य की इसका राइट आंसर मिश्रित वाक्य है। मिश्र वाक्य उसकी पहचान एक वीडियो मैंने बनाया, चाहे तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पहचान बताई है कि वाक्य में कौन कौन से शब्द हों तो आप पहचान कर सकते हैं कि वो मिश्र वाक्य है। देखिए की हो, क्योंकि हो, यद्यपि हो, तथापि हो, क्योंकि, जितना, उतना, ठीक है, जहाँ तहाँ, इधर उधर, ये सब अगर वाक्य में मिल जाए आपको, समझ जाइए तुरंत ये मिश्र वाक्य है। यहाँ पे की है तो ये मिश्र वाक्य है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है सुयोग विदेश अत्यधिक सुरेश, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए डी वाला सुरेश, तो सुरेश में उपसर्ग नहीं लगा है, प्रत्यय लगा है सुर प्लस ईस, तो यही आपका राइट आंसर है। बाकी सुयोग विदेश अत्यधिक सब में उपसर्ग लगा है, सुयोग में सु, विदेश में भी, अत्यधिक में अति। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ए प्र, बी प्रति, सी प्रत्यु और डी प्रत्युत, बताइए कौन सा लगा है। जी हाँ, बी द राइट आंसर, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है ए घृत घी, बी उट्र ऊंट, सी त्वरित तुरत, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, डी भ्रमर और भ्रमर भौरा, बताइए कौन सा युग्म गलत है, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। जी हाँ, बी द राइट आंसर, उट्र और ऊंट, उट्र नहीं होता आपका, उष्ट्र होता है, ठीक है, तो यही आपका गलत है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 पे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, वैसे ऑप्शन देख लेते हैं, ए विशेषण, बी विशेष, सी क्रिया और डी अव्यय, बताइए क्या कहते हैं। जी हाँ, विशेषण कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 पे। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है ए कुलीन, बी नमक, सी कृपा और डी जाति, संज्ञा से बना हुआ विशेषण, ठीक है। जी हाँ, ए इज राइट आंसर, कुलीन है, कुल से बना हुआ है कुलीन, तो यही आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 पे। अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है ए स्वेच्छाहारी, बी स्ववश्य, सी आत्माभिमत और डी मतानुयायी, बताइए कौन सा सही होगा। जी हाँ, अपने मत को मानने वाला, ठीक है, आत्माभिमत इसका राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। जहाँ तक स्वेच्छाचारी की बात है तो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करना उसको बोलते हैं, जहाँ तक स्ववश्य की है अपने ही वश में रहने वाला वो हो जाएगा, जहाँ तक मतानुयायी है मत के अनुसार चलने वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 पे। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो सुनने योग्य हो, कौन सा होगा इसके लिए, अनुश्रुति के लिए क्या होगा वाक्य। जी हाँ, बी द राइट आंसर, परंपरा से सुना हुआ होगा। जहाँ तक ए सुनकर भी अनसुनना सुनने का नाटक करना अनसुना होता है, जो कानों को सुनने में कटु लगे कड़ कटु होता है, जो सुनने योग्य हो श्रव्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, मंच पर अनेक खाली स्थान विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की, ठीक है। खाली स्थान पे हम क्या भरेंगे, उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ए विख्यात, बी कुख्यात, सी अज्ञात, डी अभिजात, बताइए क्या होगा। जी हाँ, बहुत आसान है, मंच पर अनेक विख्यात विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की, जी हाँ, तो ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आपके सारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के और 200 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं इस सीरीज के, ठीक है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इसी तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल डिकोड एग्जाम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।